के नैब मुल्तान में मेट्रो बस करप्शन केस में मुलविस मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब मुल्तान में मेट्रो बस करप्शन केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तो करप्शन केस में मुलविस मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड की आज इस्तदा भी की जाएगी। करप्शन केस में मुलविस मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड की आज इस्तदा की जाएगी। आपको बताएं कि करप्शन केस में 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। नैब मुल्जिमान में मेट्रो बस करप्शन मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड की आज इस्तदा भी की जाएगी। एक अहम खबर एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें, तो नैब मुल्तान में मेट्रो बस करप्शन केस का ये मामला है। करप्शन केस में मुलविस मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड की आज इस्तदा भी की जाएगी। नैब मुल्तान में मेट्रो बस करप्शन केस में मुलविस मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नैब की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ जिस्मानी रिमांड की आज इस्तदा भी की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मकसूद चौहान से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा, मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज नैब मुल्तान की जानिब से मेट्रो बस करप्शन केस में कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें MD के मौजूदा और साबका 6 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उनको जो है एहतसाब अदालत में पेश किया गया है, और इस वक्त जो है केस की समाअत जो है वो शुरू है, और केस की समाअत जो है जज अब्दुल रशीद कर रहे हैं, जबकि एहतसाब अदालत की जानिब से जो है मुल्जिमान की जो है रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जी